की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे कि कल आप लोग क्यों नहीं आए, कल आपकी वीडियो क्यों नहीं आई, तो हम लोग चाह रहे थे आप हमें थोड़ा सा मिस कर लो। नहीं, एक्चुअली मौलम को थोड़ा काम था और मेरी भी कल तबीयत ठीक नहीं थी, अदरवाइज मैं ही बना लेती। बट खैर, अभी हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ जो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसका टाइटल है, गोबली ट्रेवल सीरीज बाजार ट्रेवल सीजन 1 एपिसोड 1 जोधपुर फीड बरका सिंह। आपको पता है हमें कितना अच्छा लगता है उनके व्लॉग्स देखना। इससे पहले हम लोगों ने कोलकाता देखा, उनके साथ दिल्ली देखा है और जयपुर देखा है, और अभी हम देखने जा रहे हैं जोधपुर। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। Barkha Singh, and there are two things I love the most, one traveling and two shopping. So I thought, why not shop while I travel? Oh wow! Bam! So welcome to Bazaar Travels, a show where we are going to explore some of the most iconic bazaars in India that have stood the test of time, culture and trends. And today, I'm in the wonderful city of Jodhpur. Blue city. Look, behind the killer. First time I got to know this movie mein, jo Pariniti ki aur Sushant Singh ki. Shuddh Desi mein. Haan. Yaar, kitne bhi purane reh rahe hain. Jodhpur, the land of royals, the blue city, the kingdom of Marwar, is home to one of the oldest bazaars of India, who specialize dye and dye fabric work, furniture, handicraft items, textiles, decorative items, and so much more. You know, people from all over the world come and shop here in Jodhpur, and it has a market of over 1700 crores just in handicrafts. Wow. Chalo, to bazaar khul gaya hai, shops bhi khul gayi hain. Isse pehle bheed badh jaye, main chali. सरदार मार्केट है। मैं हूँ जोधपुर के सबसे रंगीन और मशहूर सरदार बाजार में। दिस बिल्डिंग बिहाइंड मी इज द घंटा घर जो महाराजा सरदार सिंह ने 1880 में बनाई थी। इस पूरे बाजार में 7000 से भी ज्यादा दुकानें हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव सो मेनी आइटम्स। इट्स अ बसलिंग मार्केट। मैं जा रही हूँ, कम फास्ट। मैं बारखा हूँ, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि। तो मैंने सुना है एंड टेल मी इफ इट्स ट्रू कि मिक जैगर ने यहाँ से शॉपिंग की थी। हाँ, मिक जैगर। सही बोल रहे हो, रियल यहाँ पे मिक जैगर आया था। प्रूफ देखना है। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई डोंट बिलीव यू। ये देखिए मिक जैगर के बारे में, और इसमें हमारे बाबा टेम्पोरियम में उसने 68,000 पाउंड उसने खर्च किया था। 68,000 पाउंड? देखो, मैं तो 68,000 पाउंड्स नहीं खर्च कर सकती, बट अगर मेरे को अपने घर के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो टिपिकल जोधपुरी स्टाइल है? ये हमारे जोधपुर की जो लोकल दरी आती है, ये पूरा इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड है। और ये देखिए कितना सुंदर है, ये हम ब्लॉक प्रिंटेड के कुशन कवर वगैरह। क्या प्राइस रेंज है ये सारे? 600 रुपए इच। ये देखिए, ये पूरा किंग साइज बेड कवर है। और मुझे ऐसा कहीं पूरे बाजार में और कहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा मैडम। इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। और हमारे पास कुछ और भी है, जैसे फूप्स। अगर जैसे आपका कोई पुराना क्लोथिंग हो गया जिसको आप पहनना पसंद नहीं करते हैं, और फिर जो गंदे कपड़े होते हैं वो इसके अंदर डाले आप, अगर मेहमान को बैठा दो। I'm definitely picking this up. It's very interesting. इन बांधने में मैं आपके लिए रेड कलर बहुत सुंदर लगेगा आपके ऊपर। आप रानी नहीं, महारानी लगेंगे। Oh my god. You look like queen. I look like a queen. Let's try show you some nice jackets. Come, let's look at some nice jackets. This is so cool, and this is like very, it's like featherweight. जरा आप मिरर में देखिए कितना सुंदर लग रही है। Now you look much younger than now. Now I look like a princess, young princess. मजा आ गया। Shopping at Baba Art Emporium is a perfect Jodhpur experience. मतलब यहाँ का collection तो amazing है ही,
लेकिन यहाँ के सेल्समैन आर इवन मोर अमेजिंग, दे सो एंटरटेनिंग. लाइक मैंने आई थिंक यहाँ 2-3 घंटे निकाली, लेकिन इतना टाइम कब खत्म हो मुझे पता ही नहीं चला. एंड यू नो व्हेन यू कम हियर डेफिनेटली आस्क फॉर ऋषि बिकॉज ही इज द वन हु कैन मेक यू फ्रॉम अ कॉमनर टू अ महारानी. सो ये जूती में दायां और बायां नहीं होता है. अच्छा. और इतनी कंफर्टेबल होती है जूती, आप पांव में डालोगे ऐसा लगेगा आपने सॉक्स पहन रखे. तो ये जनरली आप कितने में बेचते हैं? 400 और अलग अलग टाइप की. हाँ, प्लेन वाली 350. और ये वाली ऐसी टाइप की जरदोजी वाली जी, ये 850 की. पर मेरे को सबसे अच्छी ये लग रही जो आपने पहनी है, ये कहाँ है? ये तो मैंने मेरे खुद के लिए बनवाई है स्पेशल. तो ये क्यों अपने लिए आपने इतनी अच्छी जूती बनवाई? भारी जूती कोई पहनता ही नहीं आज के टाइम. अच्छा, बहुत वजन है क्या जूती में? और उसमें मजे की बात ये है जब उसको चलते हैं ना, हाँ जी, तो उसमें चढ़ चू की आवाज आती है. ये लिजर्ड क्यों लगाई आपने ऊपर? नजर ना लगे. लिजर्ड से? लिजर्ड होती है लक्ष्मी का रूप, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ लिजर्ड आती है. अच्छा, आपकी दुकान में ना मुझे बड़ी कूल कूल चीजें दिखी, जैसे मेरे को ये भी बहुत पसंद आया, ये जूती का लोगो. जूती काफी कूल लग रहा है ना. आपकी ये शॉप के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो आपकी प्लीज कुल्लड़ लस्सी ट्राई करा दीजिए. सिंपल लस्सी है. द शॉप इज राइट इन फ्रंट ऑफ द घंटाघर, सो डेफिनेटली कम एंड ट्राई दिस आउट. Lala ji, what is this place? Oh, wow. You know, I always have had a hobby of collecting chote-chote quirky items jo aapko dusri jagah nahi milenge. And my quest for finding all these amazing antiques has led me to Lal ji Handicrafts. वैसे ये दुकान आई थी इन अराउंड द 1960s, सो इट्स अ रियली ओल्ड शॉप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बोथ ओल्ड एंड न्यू. You know, Lalji Handicrafts has one of the biggest collections of all these antique items and decorative pieces. In fact, kafi sari historical films jo banti hain, wo sab yahin se props uthate hain. Aaj se main isi mein chai banaungi aur isi mein chai piyungi. Ye mera hai. Aur dekhiye. You know, this place is like entering a magical box. जहाँ हर जगह आपको सिर्फ सरप्राइजेस और सरप्राइजेस मिलेंगे. लाइक कम टेक अ लुक एट दिस चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स. आई मीन इस पे टेक्सचर भी है, इट्स सच अ रिच कलर. दिस ग्रीन इज सच अ रिच ग्रीन. ओह, चेक दिस विंटेज फायरक्रैकर आउट. ये कितना कूल है. सम क्वर्की स्टफ लाइक दिस आल्सो. व्हाट इज दिस प्लेस? This place has everything, right from cupboards to decorative pieces to a chest of drawers. Fun fact बताऊँ, Game of Thrones के लिए भी यहाँ से furniture manufacture होके गया था. You know what? I can't wait to discover this place more. तो चलो फटफट देखते हैं. Let's see what other jewels are there in this place. Yes! Oh my God! I love this. I wish I could take it home. इस जगह में हर चीज इतनी exquisite है कि बड़े बड़े celebrities यहाँ आए हैं to buy things for their homes. And I just wish मेरे पास यहाँ ज्यादा time होता और अपने बॉम्बे घर में ज्यादा जगह होती to take more items home, क्योंकि यहाँ इतनी सारी variety है. Spice paradise. It looks like it's cooking lessons. I तो love cooking, but being a Rajput मैंने कभी राजस्थानी खाना ही नहीं बनाया है. So I think ये perfect opportunity होने वाली है. Let's go. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va là vous? Oh, parlez-vous français? Au pas? Oui, je même parle français un peu. Wow. So if you don't know what we were speaking, we were all showing off our French. मैंने मथानिया चिली के बारे में बहुत सुना है जोधपुर में. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, इंडिया में काफी जगह ब्रेड मिर्ची ग्रो की जाती है. जी. हमारे मथानिया में ये जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ
मिर्ची पैदा होती है वो पैदा होने से पहले बिक जाती है। ये बताएंगे मिर्ची की वजह से इसका टेस्ट अच्छा आता है। आज हम आपको राजस्थान की स्पेशल खिचड़ी बना रहे हैं और इसमें ये स्पेशलिस्ट है मेरी वाइफ। चलिए शेफ सिखाइए। एक्चुअली मेरे जो नाना दादा है वो सब भी राजस्थान से हैं। अच्छा। पर मैंने कभी राजस्थानी खाना नहीं बनाया तो मेरा फर्स्ट टाइम है तो बहुत स्पेशल है। आप उनको सरप्राइज करना, उनको ले जाकर आपकी मम्मी को या पापा को ये नमकीन खिचड़ी जोधपुर की। ओके सो दिस स्मेल्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन। ये देखो आपकी नमकीन खिचड़ी रेडी। ये हुआ ना महाराजा वाला खाना, गर्मा गर्म नमकीन खिचड़ी, आया मजा? So I'm gonna indulge in this wonderful dish. Shopping can wait for a while. Bye. Wow. तोर्ची का चल रहा? Step पे लगे नहीं? कदर खूबसूरत है ये जगह। Life in every city is so different, right? I'm sitting in Jodhpur in the middle of Turji ka Jhalra and I'll tell you something super fun. This is bang in the middle of the bazaar. It was built by Rani Tawarji in the 1740s, but it was only recently excavated not many years ago. I still can't believe it. It is bang in the middle of a bazaar. Jodhpur is wonderful. On this side of Turji ka Jhalra, there's a whole lot of really fancy shops. They're designer boutiques that sell clothes, bedding, furniture, decorative items, you name it. Chalo, dikhate hain aapko a different side of Jodhpur. To main abhi Portside Cafe mein hoon. It's a store and ye store bahut sari cheeze banane mein believe nahi karta hai, but they believe in making standalone statement pieces. I love how everything has the Jhalra print on it. Loving the vibe of this store. Hey, check this out. These are such cool night suits. Like, look at the prints. All these outfits, they're really modern. Like, this is off-shoulder, this is a spaghetti, but they're all using traditional Rajasthani Jodhpuri prints. I'm loving the print. I love this pink color, firstly. And this is again a very typically Rajasthani pink color. Bahut yahan dikhega aapko. So they also have like a little more formal pieces that are still very trendy. Here people are big on indigo. So there's really cool clutches. And this is just under 4,000. Ooh. So this looks like my favorite part of the shop, the sleeping part. I think we've had a long enough day up till now. So I'm gonna take a nap. I'll see you after. So I'm on my way to Pukhraj Dari Udyog, jahan tarah tarah ki dariyan milti hain, and they say in that it is a holistic experience. Wahan aapko kafi sari cheeze experience karne milti hain. So I'm super excited to check it out. Let's go. मैंने बहुत सुना है, तो ये सिर्फ जोधपुर में बनती है या अलग अलग जगह राजस्थान में? आपने एकदम सही सुना है, हम जो बना रहे हैं इसका स्पेशलिटी है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग, जो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ हमारे गाँव में बनती है। डिजाइन कौन डिसाइड करता है कि ये वाली दरी कौन सी डिजाइन? डिजाइन्स के लिए हमारे पास कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होते जी, क्योंकि हमारे पुश्तैनी काम है ना, तो हम लोग पीडीओ से ही काम करते आ रहे हैं, व्हिच इज कमिंग सिंस 700 इयर्स। 700 इयर्स। अब मेरे को सिखाएंगे क्या या मैं खराब कर दूंगी आपकी दरी? थोड़ा खराब करेंगे लेकिन आपको सिखा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा खराब करती हूँ आपकी दरी। आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास बनी हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड कुछ नया सा सीखने मिला आज, विच वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू नो यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है कि इंडिया में इतने सारे अनगिनत सच टैलेंटेड आर्टिसंस हैं, लेकिन वी डोंट इवन नो अबाउट इट।
Ending my day in Jodhpur in this super cozy rooftop cafe in Sardar Bazaar. Having my favorite cup of soy cappuccino and the Mehrangarh fort in background. Traveling through the bazaars of Jodhpur, mujhe ek cheez realize hui ki badi badi cities mein hum choti choti sundar cheeze overlook kar jate hain. The bazaars of Jodhpur provide not only a place to shop, but they also give you an experience and stories to take back home. So I'm so glad to have picked Jodhpur as one of my destinations. बात करें अगर जोधपुर शहर की तो बहुत खूबसूरत शहर है, खासतौर पर आप जो फोर्ट है वहाँ पे उसके ऊपर खड़े होकर जब आप शहर का नज़ारा लेते हैं ना तो पूरा शहर आपको नीला नीला नज़र आता है, जैसे आपने कहा आपने शुद्ध देसी रोमांस मूवी में जाए देखा था। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे क्लिप्स ऐसे हैं आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है शहर। मैं तो बोलूँगी कि इंडिया के हर शहर की अपनी एक ऐसी खूबसूरती और एक ऐसा जादू है ना जिसमें से आप नहीं निकल पाते। इस कदर खूबसूरत चीज़ें आपको मिलती हैं, इतनी वैरायटी है कि आपको कहीं और नहीं नजर आती, स्पेशली मुझे यहाँ पर नजर नहीं आती, इसलिए मेरा दिल और ज्यादा ललचाता है। इन्हें तो बाद भी मेरे इसमें भी क्या बोले, लेकिन खूबसूरत सब कुछ लगा ना मौसम, चाहे वो कपड़े हो, जूतियाँ हो, फर्नीचर हो, या मतलब आप तुम देखो बेडशीट्स वगैरह भी हम लोगों ने देखी है 600-700 रुपए की यार, इतनी खूबसूरत। वही मैं बात कर रहा था, लेकिन उसके अलावा जो जो जैकेट्स उन्होंने पहनी थी मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगी थी, लेकिन नो डाउट प्राइस की बात तो प्राइस बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा रीजनेबल थी, क्योंकि देखने में ही वो बेडशीट्स बहुत अच्छी लग रही थी और एक बेडशीट उन्होंने जो दिखाई थी उसके ऊपर वो शीशे भी लगे हुए थे बिल्कुल। और पता है क्या, अच्छा एक चीज मैंने देखी है कि उन्होंने हमें दोनों साइड दिखाई है, उन्होंने हमें लोकल साइड भी दिखाई है, मतलब जो सरदार जी मार्केट है वहां पर 7,000 से भी ज्यादा शॉप्स हैं, तो ये देखो कि वो बाजार कितना बड़ा होगा। मुझे मुझे जो मैं अगर बात करूं, मुझे पर्सनली दो जगहें बहुत अच्छी लगी, एक हैंडीक्राफ्ट वाली जगह जहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीजें थी, अगर मैं अगर बात करूँ तो मैं भी वहां जाके लालजी हैंडीक्राफ्ट मैं भी वहां जाके पागल हो जाऊं, और मुझे मुझे वो पुराने दरवाजे होते हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके ऊपर जो मीनाकारी हुई होती है ना, जो आर्ट लोगों ने उसके ऊपर दिखाया था, मैं बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जो दरियों वाली जगह थी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट मुझे मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे तूरजी का झालरा भी बहुत खूबसूरत, वो भी नॉट आउट बहुत खूबसूरत था। विलेज की बात करें तो जो वहां पर दरिया वगैरह बन रही थी वो बहुत खूबसूरत, इतनी कलरफुल, और स्पेशली जब आप हाथ से बनी हुई या फिर जो चीजें होती है ना मशीन से बनी हुई चीजों की वो खूबसूरती नहीं आती, कोई शक नहीं वो हाथ से वो पता नहीं मतलब उनसे उनके साथ आपको देखकर ही एक अट्रैक्शन आता है ना। मशीन को आपने जो एक बार कमांड दे दी उसमें तो वो काम करना है, लेकिन हाथ का जो काम होता है ना वो जहाँ पे आर्टिस्ट देखता है ना कि भाई मेरी गलती है वो उसे रिपेयर करता है, वो उसे जो दोबारा से सही बनाता है। और नो डाउट जो झालड़ा था उसकी अगर हम बात करें वो भी जो स्टेप वेल्स बने हुए थे बहुत खूबसूरत थे, और सबसे यूनिक चीज उसकी ये थी कि वो किसी महल के अंदर या किसी किले के अंदर नहीं था, वो एक प्रॉपर बाजार के अंदर ही था बिल्कुल, और पानी जो था उसके बीच में, वैसे मुझे पता नहीं क्यों लगा मछलियां भी थी, बट प्लीज ये जरूर बताइए दिल्ली में कोई ऐसी जगह है स्टेप वेल्स वाली तो हमें जरूर बताइए, और आए तो हम लोग भी एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि बरखा सिंह जी हो और वो खाने की बात ना करें अपने व्लॉग में, कैसे मुमकिन है, और उसमें जो उन्होंने खिचड़ी जो राजस्थानी ये खिचड़ी जो उन्होंने खाई बिल्कुल, वो मुझे जिस तरह वो बना रहे थे ना उसमें वेजिटेबल भी थी, उसमें जो है वो काजू भी था, तो वो वाकई दिल करे खाने का, जिस तरह उन्होंने डेकोरेट की उसके ऊपर जो है फॉइल पेपर लगा के धनिया उसके ऊपर रखा, मिर्ची का, हाँ मिर्ची 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 से याद है मिर्ची तो पहले उगने से पहले बिक जाती है यार, इतना मतलब वो इतना अच्छा टेस्ट उसका, इतनी ज्यादा हम बोलेंगे कि पॉपुलर मिर्ची है वो बिल्कुल। और इसके अलावा बीच में जिक्र हुआ था मिक जैगर का, ऑनेस्टली हम लोगों को नहीं पता था मिक जैगर कौन है, फिर उसके बाद हम लोगों ने गूगल बाबा से पूछा मिक जैगर कौन है, तो हम लोगों को पता इसने क्या, और यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग बोलेंगे भी इस बात पर मिक जैगर का नहीं पता, सच में नहीं पता था, बट अभी हमें पता चल गया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हम लोगों को पता चल गया। और यहाँ पर ये भी साथ बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों को इन चीजों को लेकर ट्रॉल किया जाता है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बट ये कि बहुत खूबसूरत जोधपुर है, और लास्ट में जहाँ पर बरखा सिंह बैठी हुई थी और कॉफ़ी पी रही थी, सच में मैं मुझे ऐसे लग रहा था मैं उस चीज़ को
अभी भी फील कर रही हूँ, और मैं अगर इमेजिन करूँ तो मैं खुद को वहां पर, तो मुझे कितना ज्यादा मजा आएगा। और बस पता नहीं मेरा ये तो बैठी रहेंगी वहां पे, मुझे ऐसा लगता है मैं ऑनेस्टली मैं ऐसी जगह पर सारी रात बैठ सकती हूँ और मैं मतलब बातें कर सकती हूँ, मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ, मुझे इतना मजा वहां पर आएगा। बट आई डोंट नो कि कब मेरा ये ख्वाब पूरा होगा, और मैं ये करना जरूर चाहती हूँ। मौसम हमने राजस्थान जरूर घूमना है यार, क्यों नहीं। जोधपुर जयपुर तो जो है वो वैसे ही बहुत ज्यादा फेमस है ना, और इसके अलावा यू नो मारवाड़ी लोगों का है ये जगह, और मारवाड़ी जो एक मारवाड़ी बोले जाते हैं उनको भी एक बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बिल्कुल। तो देखे ना हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस खाली 1700 करोड़ गए, जैसे बोलते ना कि गुजरात के लोगों का दिमाग बहुत तेज है और बहुत चलता है, जैसे कि हम लोग अंबानी का देखें उनका, वो भी तो गुजरात के, और इसी तरीके से मारवाड़ी लोगों के बारे में बोला जाता है कि बिजनेस में काफी ज्यादा दिमाग चलता है लोगों का। पहले तो आप हमें बताएंगे आप में से कौन कौन मारवाड़ी है और बिजनेस मैन है, और बाकी में कितना दिमाग चलता है ये भी हमें जरूर बताइएगा। इसी साथ हमें इजाजत, और प्लीज हमारी दुआ कीजिएगा कि हम लोग जोधपुर में घूम सकते क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, गुड बाय।